हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लाइकेन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन अल्गा एंड ए फंगस, वेयर फंगस हैज फर्स्ट वन इज एन एपिफाइटिक रिलेशनशिप विद द अल्गा, सेकेंड वन इज ए पैरासिटिक रिलेशनशिप विद द अल्गा, थर्ड वन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अल्गा एंड लास्ट वन इज सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद द अल्गा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो फंगस के साथ जो अलगा होता है उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हम जानेंगे कि लाइकेन्स क्या होता है। लाइकेन्स जो होती हैं ये एक एसोसिएशन होता है। क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है बिटवीन, एसोसिएशन बिटवीन दी एल्गी एल्गी एंड फंजाई के बीच में, एंड फंजाई के बीच में। उसके बाद यहाँ पे बात करें जो एल्गी होता है वो फोटो सिंथेटिक जो है ऑर्गेनिज्म होता है, फंगस जो होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है। क्या होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। वही अगर हम एल्गी की बात करें तो ये क्या होता है? फोटो सिंथेटिक जो है ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं समहाउ बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो लाइकेन्स होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं लाइकेन्स में यहाँ जो फंजाई होता है, फंजाई जो होता है वो डिपेंड होता है, या कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन दी एल्गी। एल्गी पे डिपेंड होता है किसके लिए? फूड के लिए। फूड के लिए जो है ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है एल्गी पर। अब यहाँ पे क्या होता है, फंगाई जो है क्या नहीं कर सकता है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास जो है पिगमेंट नहीं होता है। पिगमेंट जो है क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसकी वजह से अपना फूड ये नहीं बना सकते, इसलिए डिपेंडेंट होते किस पे? एल्गी पे। अब इन रिटर्न में क्या होता है, जो यहाँ पे इन रिटर्न बात करें ये क्या करते हैं, फंजाई जो होते हैं यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। प्रोवाइड करते हैं क्या? शेल्टर टू दी एल्गी। किसे? एल्गी को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रहने की जगह देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट पहुँचाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में चले तो पहला दे रखा है एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब है कि किसी अदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जो पीपल का ट्री होता है उसके ऊपर क्या आ सकता है? नीम आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशनशिप को यहाँ पे कहा जाता है एपीफाइटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है ए पैरासिटिक रिलेशनशिप विद दी अलगा। तो यहाँ गलत होगा क्योंकि ये पैरासिटिक नहीं है। पैरासिटिक मीन्स यहाँ पे एक दूसरे को, यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है दूसरे को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? कह सकते हैं हार्म करता है। और यहाँ पे कोई डिजीज भी कॉज हो सकता है अगर इस तरह का कुछ कंडीशन देखा जाता है पैरासिटिक रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में सिम्बायोटिक होता है, पैरासिटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, ये दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते। थर्ड है ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर? लास्ट दे रखा है सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेप्रोफाइटिक होते हैं उसमें जो है डी ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड होते हैं किसमें? डेड एंड कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर में फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे इस तरह का भी रिलेशनशिप नहीं देखा जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.